अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है वेजिटेबल बिरयानी। ये बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मदर्स रेसिपी मसाले की, मिक्स मसाले की पैकेट ली हुई है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ मसाला होता है, बाकी जो वेजिटेबल्स होती है हमें ऐड करना होता है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं, हमें कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ता है, सिर्फ वेजिटेबल्स के। इस तरह से आया होता है, इसमें कुकिंग ऑयल भी होता है, इसे साइड में रखेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से डाला है। एक आलू डालेंगे कटा हुआ। चलिए दो मिनट तक कुक करेंगे। देखिए हमारे दो मिनट हो गए हैं। आलू को हमें मीडियम साइज से कट करना है। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम दो मिनट तक ढककर भुनेंगे। अगर हम ज्यादा मिनट तक ढककर भुनेंगे तो जो हमारी सब्जियां हैं पूरी रेसिपी रेडी होने तक वो ज्यादा गल जाएगी। हमें दो दो मिनट तक ही हर सब्जी को भुनना है। अब इसमें डालेंगे हम बीन्स की फली। बीन्स की फली को हम थोड़ा लंबा ही कट कर लेना है, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स बिरयानी है वो एकदम स्वादिष्ट लगे और दिखने में अच्छी लगे। दो मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है इसे। चलिए अब इसमें डालेंगे सेब की फली, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आता है गाजर। गाजर मैं थोड़ा ही ली हूँ, अगर आप चाहे तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स दो मिनट तक ढककर रखेंगे। देखिए हमारे दो मिनट हो गए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। देखिए इस तरह से मिक्स करना है, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से भुन जाए। अब इसमें डालेंगे दही। दही मैंने हाफ कटोरी ली है। अब हरा धनिया डालेंगे। दही हमें थोड़ा ही यूज करना है, ज्यादा नहीं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम तीन मिनट तक ढककर रखेंगे। देखिए हमारे तीन मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज, जो मैंने भून कर रख लिया था साइड में, वो मश करके डालेंगे चूरा चूरा करके। अब डालेंगे जो मसाला मैंने बताया था शुरू में, वो मसाले के पैकेट अब इसमें ऐड कर देंगे। सारा हमें डालना है। अगर आपको ज्यादा केजी, 1 केजी की अगर बिरयानी बनानी है तो आप 2 पैकेट लेके भी बना सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट तक ढककर रखेंगे। चलिए देखिए हमारी बिरयानी की ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 ही नींबू का रस हमें ऐड करना है, ज्यादा हमें नहीं लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स मसाला, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये रेडी हो चुकी है, इसे अब निकाल लेंगे हम। चावल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने पुदीना, साबुत मसाले और नमक डाला है। इसे बॉईल आने तक वेट करेंगे। देखिए बॉईल आ चुका है हमारा पानी। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हमें 4 या 5 मिनट तक ही पकाना है, ज्यादा हमें नहीं पकाना है चावल को। जिस तरह हम बिरयानी को चावल बनाते हैं ना, उसी तरह पकाना है। चलिए इसे 5 मिनट तक हम ढककर रखेंगे, बीच बीच में चेक करते रहना है। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से बनके तैयार है, वेजिटेबल्स ग्रेवी। चलिए अब इसके ऊपर हम चावल डालेंगे। चावल को मैंने 5 मिनट ही कुक करके निकाल लिया है, ज्यादा हमें कुक नहीं करना है। अगर ज्यादा करेंगे तो हमारे चावल नरम हो जाएंगे, हमारी बिरयानी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। अब इसमें अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, जो प्याज फ्राई किया हुआ तेल था वही हमें इसमें ऐड करना है। अब इसमें डालेंगे देसी घी। अब पुदीना डालेंगे, भुनी हुई प्याज डालेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ज्यादा हमें ऐड नहीं करना है, ज्यादा करेंगे तो हमारी बिरयानी कलर कलर हो जाएगी। अब इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर रखेंगे। देखिए हमारी बिरयानी बनकर, स्वादिष्ट बिरयानी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से जरूर बना के ट्राई करें।